हाय गाइस, अगर आप 60,000 के आसपास कोई गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है, क्योंकि मैं आज लेके आ चुका हूँ लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3, जो कि लगभग 60,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं मानता हूँ कि ये लैपटॉप इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही सॉलिड डील है। तो चलिए बारीकी से लैपटॉप को चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल बुक्स, मैं हूं सोमोजित। सो लेट्स गो। इसका अनबॉक्सिंग मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वही एक लैपटॉप देखने को मिल जाएगा और एक 170 वाट का सुपर फास्ट चार्जर। तो चलिए लैपटॉप को चेक करते हैं। ये लैपटॉप एक हैंड से ओपन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे उठ जाता है पहले, और इसमें बस लीड ओपन करते ही लैपटॉप ऑन होने का भी फीचर है, क्योंकि जैसे मैंने लीड ओपन किया डायरेक्टली लैपटॉप ऑन हो गया। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले बबल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इसका डिस्प्ले का हिंज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये लैपटॉप टोटली प्लास्टिक बिल्ड में है, ये पीछे भी प्लास्टिक है, लीड भी प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, और इसका जो कीबोर्ड एरिया है ये भी प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, लेकिन कीबोर्ड फ्लेक्स ना के बराबर ही देखने को मिलता है। इसका राइट साइड में आपको माइक्रोफोन, USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट और एयर एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है, और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है, और उसके साथ एयर एग्जॉस्ट फैन भी देखने को मिल जाता है, और बाकी सारे पोर्ट्स पीछे की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। ए टाइप सी पोर्ट हाई स्पीड डेटा के साथ साथ डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर हमको इथरनेट पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और एक HDMI 2.1 पोर्ट, और पीछे भी एयर एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। ये लैपटॉप में हमको Ryzen 7 6800H प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और ये जो प्रोसेसर है ये 8-core 16-thread वाला प्रोसेसर है, और यहाँ पर कोई एफिशिएंसी कोड नहीं है, मतलब 8-8 core ही परफॉर्मेंस कोड ही देखने को मिलता है। और ये लैपटॉप आपको 8GB RAM और 16GB RAM के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और ये लैपटॉप में हमको DDR5 RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है। और मैंने इस लैपटॉप को 8GB RAM के साथ ही लिया था, जहाँ पर हमको फ्रिक्वेंसी देखने को मिलता है 4800 MTS, और उसके साथ मैंने और एक 16GB का रैम स्टिक लगा लिया था, मतलब अभी टोटल देखने को मिल रहा है 24GB RAM। और ग्राफिक्स कार्ड में यहाँ पर RTX 3050 देखने को मिल रहा है, और ये 4GB वाला वेरिएंट है, और इसका TDP है 85W, मतलब फुल्ली पावर 3050 देखने को मिल रहा है। और ये लैपटॉप हमको 512GB SSD के साथ ही देखने को मिलता है। बाय द वे, इसका रैम और SSD दोनों ही आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा SSD का स्लॉट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो SSD है यहाँ पर Gen 3 सपोर्ट करते हैं या फिर Gen 4 वो मुझे पता नहीं है। इनफैक्ट Lenovo का वेबसाइट में भी इसका कोई मेंशन नहीं है। और कैपेसिटी वाइज पावर स्लॉट 1TB तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, और रैम को आप मैक्सिमम 32GB में अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब जो 8GB का स्टिक है उसको निकाल के अगर आप 16GB का डालते हैं और दूसरा स्लॉट है वहाँ पर भी 16GB का ही डालते हैं, तो टोटल आपको 32GB के साथ ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमको 15.6 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमको कोई HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका पीक ब्राइटनेस है 250 nits, और ये वही बेसिक 45% NTSC कलर गैमट के साथ ही आता है। तो चलिए स्पीकर भी टेस्ट कर लेते हैं। बाय द वे, यहाँ पर हमको 2-2 वाट का 2 डाउनफायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। बस इतना ही मैक्सिमम साउंड है, इसका बिलो एवरेज ही कह सकते हैं। छोटा सा रूम में मूवी वॉचिंग में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आपको अगर कोई काम करना है तो आपको एक्स्ट्रा स्पीकर या फिर हेडफोन ही कनेक्ट करना पड़ेगा। इस लैपटॉप का कैमरा और माइक्रोफोन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, बस वही नॉर्मल 720 वाला कैमरा देखने को मिल रहा है। और हाँ, एक गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी यहाँ पर हमको MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए फ्री देखने को मिल जाएगा, तो आपको जुगाड़ लगा के यहाँ पे परचेस करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें SSD की स्पीड की, तो लगभग यहाँ पर हमको 3GB के आसपास रीड और राइट स्पीड देखने को मिल जाता है, जो कि दिखने से तो एक Gen 3 SSD लग रहा है। तो चलिए एक बार बेंचमार्क भी देख लेते हैं। Cinebench R23 में लगभग 1500 के आसपास सिंगल कोर स्कोर देखने को मिल जाता है, और मल्टी कोर में लगभग 13600 के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि सुनने में लगभग Ryzen 9
9950 जैसे ही लग रहा है, क्योंकि ऐसे भी इसमें और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 5 या फिर 6% का ही जाम देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर हमको DDR5 RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि जो 5900HX था वहाँ पर हमको DDR4 का RAM का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता था। और हाँ, ये जो प्रोसेसर है ये Gen 4 SSD को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये मदरबोर्ड सपोर्ट करते कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। तो लैपटॉप का सेटअप कर लिया है, मैं पहले इसका कीबोर्ड दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें भरपूर RGB देखने को मिल जाता है। मैं एक काम करता हूँ, इसका जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है Lenovo Vantage एप्लीकेशन, जिसके मदद से आप इसका सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा CPU और SSD का दिखा रहा है, और हमका जो परफॉर्मेंस मोड है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल रहा है, बैलेंस मोड देखने को मिल रहा है, और क्वाइट मोड देखने को मिल रहा है। अगर आप बैटरी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्वाइट मोड में कीजिए, और अगर आप चार्जर के साथ ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस मोड के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी इसमें सिर्फ 60 वाट के बैटरी देखने को मिलता है, इसलिए आप ज़्यादा बैटरी बैकअप तो इस लैपटॉप से उम्मीद नहीं कर सकते। और डायरेक्टली यहाँ पर GPU ओवरक्लॉक का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली सिंगल क्लिक से GPU को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मार्क स्विच देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक नया लैपटॉप है, फिर भी यहाँ पर मार्क स्विच नहीं है। यहाँ पर बस GPU वर्किंग मोड है, जहाँ पर आपको 3 मोड देखने को मिल जाएगा। एक है हाइब्रिड मोड, दूसरा है हाइब्रिड IGPU मोड, और तीसरा है हाइब्रिड ऑटो मोड। अगर आप बैटरी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड IGPU में कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब यहाँ पर जो हमको RTX 3050 देखने को मिल रहा है, वो टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आपका जो IGPU है उससे ही आपका डिस्प्ले काम करेगा। और अगर आप हाइब्रिड मोड में रखेंगे तो दोनों ही काम करेगा, बस आपका डिपेंडिंग आप क्या काम कर रहे हैं उस हिसाब से स्विच होता रहेगा। और उसके बाद हमको देखने को मिल जाता है नाइमिक ऑडियो, इसको आप ओपन करके आपका जो स्पीकर का साउंड सिस्टम है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक मोड, मूवी मोड, कम्युनिकेशन, गेमिंग और स्मार्ट मोड। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इजी सराउंड, इसके मदद से आप 5.1 या फिर 7.1 ऑडियो सिस्टम को भी इस लैपटॉप से पेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है Lenovo Spectrum, इसके मदद से आपका जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उसका लाइटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि अभी ऑफ है, उसके बाद प्रोफाइल 1 हो गया, प्रोफाइल 1 में कुछ ऐसा दिखा रहा है, उसके बाद प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3, जिसको आप फंक्शन प्लस स्पेस बार दबा के चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी स्टैटिक मोड में है, व्हाइट कलर में है, अगर मैं इसको स्मूथ में रखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर मैं इसको ब्रीदिंग में रखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। बाय द वे, यहाँ पर स्पीड भी कस्टमाइज कर सकते हैं, अभी मैक्सिमम स्पीड में थोड़ा रिड्यूस करता हूँ, और ब्राइटनेस को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक 4-zone LED है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ऐसे यहाँ तक कितना कलर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन हम गेमिंग लैपटॉप क्यों लेते हैं, गेमिंग करने के लिए, राइट? तो चलिए गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं। पहला गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन वेरी हाई सेटिंग्स इन 1080p, लगभग 110 से 120 FPS के आसपास देखने को मिल रहा था। उसके बाद मैंने प्ले किया Red Dead Redemption इन फेवर क्वालिटी इन 1080p, और एक साइड में DLSS ऑफ है और एक साइड DLSS ऑन है। DLSS ऑफ पे लगभग 60 से 65 FPS के आसपास देखने को मिल रहा था, और वही DLSS ऑन करते ही लगभग 70 से 80 FPS के आसपास देखने को मिल रहा था, और दोनों केस में GPU लगभग 98% के आसपास यूज हो रहा था। उसके बाद मैंने प्ले किया Far Cry 6 इन 1080p रेजोल्यूशन इन अल्ट्रा सेटिंग्स, और यहाँ पर लगभग 60 से 65 FPS के आसपास देखने को मिल रहा था, और GPU usage यहाँ पर भी 98 से 100% के आसपास देखने को मिल रहा था, और टेम्परेचर भी मेंटेन था। उसके बाद मैंने प्ले किया Valorant, जो कि एक CPU इंटेंसिव गेम है, और यहाँ पर मैं सेटिंग्स रखा है 1080p मीडियम सेटिंग्स, और यहाँ पर लगभग 210 से 230 FPS के आसपास देखने को मिल रहा था। इसके बाद मैंने प्ले किया CS2 इन 1080p रेजोल्यूशन इन मीडियम सेटिंग्स, और यहाँ पर भी लगभग 110 से 130 FPS के आसपास देखने को मिल रहा था, और GPU usage भी लगभग 100% के आसपास जा रहा था, और ये GPU 80W के ऊपर ही पावर ड्रॉ कर रहा था, मतलब ये GPU फुल परफॉर्मेंस में काम कर रहा है। तो चलिए फाइनल वर्डिक्ट में चलते हैं और बात करते हैं कि ये लैपटॉप किसके लिए सही है। देखिए, अगर आपको कोई CPU भी टेस्ट करना है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना है या फिर फोटो एडिटिंग करना है या फिर आपको ऑडियो में कोई काम करना है, तो इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही कैपेबल है, उस काम को तो बहुत ही आसानी से झेल लेगा। आप 4K में मल्टी लेवल में भी बहुत आसानी से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, और रही बात गेमिंग की, तो ऑब्वियसली गेमिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर आप 8GB रैम के साथ ही लैपटॉप ले रहे हैं तो उसको रैम जो है उसको अपग्रेड करवा लीजिए। मिनिमम 6GB तो करना ही है, क्योंकि 8GB में ना तो गेमिंग हो पाएगा और ना ही वीडियो एडिटिंग। आपको 4K में बहुत ही हाई लेवल वीडियो एडिटिंग करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा इसमें 32GB का रैम डालवा लीजिए, क्योंकि रैम ऐसे भी इतना भी महंगा नहीं है, और रैम अपग्रेड करने के बाद ये लैपटॉप गेमिंग में या फिर वीडियो एडिटिंग में मक्खन जैसा चलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपको मेन प्रायोरिटी गेमिंग ही है तो इस प्राइस में आपको 3050 6GB वाला लैपटॉप भी देखने को मिल जाएगा, उस लैपटॉप को भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसमें आपको जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल देखने को नहीं मिलेगा। तो यही था इस वीडियो में, आपको वीडियो पसंद
पसंद है तो लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट में बताइए कि ये लैपटॉप आपको कैसा लगा। और आपने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जहाँ भी कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।